अरे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारा नंबर क्या चीज है? ढूंढने से क्या नहीं मिल सकता मेरी जान, सब मिल जाता है। आइंदा मुझे कॉल करने की या मुझसे मिलने की कोशिश की, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं गए ना, मैं शोर मचा के सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। चले जाओ। वो अम्मी ने भिजवाया। अच्छा आप ही कौन था? क्या वो हमें मारने आया था? वो कोई नहीं, कोई भी नहीं था। वो बच्चे थे। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो। आजो चलो, आजो आजो। बस बस बस। जी जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान की लाइफ में कब ट्विस्ट आ जाए नहीं पता। मुझे भी कहाँ पता था सर कि मुझे जॉब करनी चाहिए। और फिर आप जैसे अच्छे इंसान से मेरी मुलाकात हो जाए। सर आप बहुत डिसेंट हैं, बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल है। नहीं सर, अभी तो मेरा शादी का कोई प्लान नहीं। कम से कम भी सर 3 साल, मुझे लग के सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं। डेफिनेटली सर, काम कर करके इंसान बहुत थक जाता है। नहीं नहीं, मैं तो एंटरटेनमेंट का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाया होने देती। हाँ फॉर श्योर, जरूर चलते हैं लंच या डिनर, वॉट एवर यू फील लाइक। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी फैमिली इतनी बैकवर्ड नहीं। किससे बात कर रही हो? सर मैं आपको कुछ देर में कॉल बैक करती हूँ। जी खुदा हाफिज। कौन सा फोन? मेरे बॉस की कॉल थी। लेकिन तुम क्यों पूछ? तुम्हें नौकरी करते हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और तुम अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हो बॉस? तुम्हारा दिमाग खराब है? आर यू क्रैक? क्या मतलब? एंड बाय द वे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस जमीन। मैं किसी से भी बात करूं तुम्हें क्या? और तुम यहां खड़े होके क्या कर रहे थे? मेरी जासूसी कर रहे थे? तो तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए रानिया। किसी गैर मर्द के साथ इतना हंस हंस के बातें कर रही, उसे अपनी पर्सनल बातें बता रही हूं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले टोकने वाले? मंगेतर हूं तुम्हारा और कजन भी। मुझे पूरा हक है कि मैं जानूं कि तुम किससे बात करती हो, किससे मिलती है। और मुझे ये बात मंजूर नहीं है जमील साहब। जीना कितना मुश्किल हो गया। अगर वो बाप ना होती ना, उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे ना होती, तो मैं आज मर चुकी होती। तो अब कौन सा मुश्किल है? मैं काम करती हूँ, तुम्हें टीटी ला देती हूँ, तुम उसे कनपट्टी पे रखो और चला दो गोली, बस चली जाओगी तुम दुनिया से। तुम्हें मजाक सोच रहे? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मार्ग। तुम जो ये अभी खुदकुशी करने का सोच रही हो ना, तुम्हें ये उस वक्त करनी चाहिए थी जब तुमने झूठ बोलकर अनवर भाई से निकाह किया था और ये कहा था कि तुम अनमैरिड हो। तो मैं क्या कहती? हाँ उन्हें ये कहती कि मैं तलाक याफ्ता हूँ, एक बहन की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है, मैं रोड पे पड़ी हूँ क्योंकि मेरे पहले वाले शौहर ने मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया है, ये सब कहती। अच्छा अच्छा, तुम टेंशन ना लो। सोचते हैं यार कुछ के उस मनहूस रुस्तम से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या कह रही हो तुम? कि वो दूध पीता बच्चा है, उसे तुम डांटोगी और वो चुप कर जाएगा? मैडम मैं उसे बच्चा नहीं सांप समझ रही हूँ, जिसके डसने से बचना भी है और उसे मारना भी है। सांप है वो सांप। तो क्या करूं, सारी बातें अनवर को बता दूं? नहीं अभी नहीं, अभी बात बिगड़ भी सकती है। पहले अनवर भाई को कॉन्फिडेंस में लेना होगा,
फिर हम ये सब बताएंगे। खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर्स तो है ना? नहीं, पेपर तो नहीं है। क्या पेपर्स नहीं है? तुमने तलाक नामे पर साइन नहीं किए थे? नहीं, मैंने तो नहीं किए और रुस्तम ने मुझे पेपर्स भी नहीं दिए। अरे यार क्या कह रही हो तुम? तुम क्या करने लगी हो? पहले मुझे बताओ कि तुम क्या करने लगी हो, फिर बाद में बैठ के रो रही होगी। मैं उसे फोन करके ये कहूंगी कि मुझे तलाक के पेपर्स दे, बस। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उसे ऐसा कुछ नहीं कहोगी वरना वो इसी को इश्यू बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल करेगा और तुम और फंसती चली जाओगी। यार तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई है। मारवी, इंसान मुश्किल में बेअकल नहीं हो जाता बल्कि उस मसले का हल निकालने की कोशिश करता है। इंसान की लाइफ में कब ट्विस्ट आ जाए नहीं पता। मुझे भी कहाँ पता था सर कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी और फिर आप जैसे अच्छे इंसान से मेरी मुलाकात हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो एंटरटेनमेंट का कोई भी मौका हासिल नहीं जाया। लंच या डिनर, वॉट एवर यू फील लाइक। सर आप बहुत डिसेंट हैं, बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल है। नहीं नहीं, मैं तो एंटरटेनमेंट का कोई भी मौका हासिल नहीं जाया। लंच या डिनर, वॉट एवर यू फील लाइक। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मी। अरे जमील, जमील। तायबू, तायबू मुझे आपसे बात कर। हाँ बेटे आओ बैठो। नहीं बैठूंगा नहीं, आप उठें, हम बाहर चल के आराम से बात करते हैं। आइए। बाहर? बाहर कहाँ बेटा? बाहर क्यों जाना है, कान भरने हैं क्या उनके? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं भी बात नहीं करना चाहती, तुम ही अपना सा मुंह उठा के आ गए हो। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हमसे रिश्ता खत्म कर दें आप। अरे तो कर दो ना, हम भी तो यही चाहते हैं। तुम रूठे हम झूठे। अरे हम कब चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता हमारी बेटी के साथ रहे। अरे मैं तो चाहती हूँ कि जैसे रिश्ता खत्म हो मैं अपनी रानिया की शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगी। बहुत अफसोस की बात है, हद होती है बस। तुम किस तरह से बात कर रहे हो अम्मी और अब्बू से, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे इसे शर्म क्यों आएगी, शर्म तो हमें आती है इसे अपना रिश्तेदार कहते हुए। अच्छा तो खत्म कर देना रिश्ता और सारी रिश्तेदारी। अरे मेरी बात सुनो, खामोश हो जाओ तुम। तायबू मैं इसीलिए कह रहा था बाहर चल के बात करते। जो बात करनी है हमारे सामने करो, यहाँ कहीं नहीं जाएंगे। अब्बू अब्बू की मजबूरियों का तुम लोग फायदा उठाते हो। अरे मुझे बात तो करने दो। अरे ये बात कब करने आया है फसादी, ये तो नाक और भवे चढ़ाकर हुक्म देने आया कि चलो बाहर चलो बात करने। निखट्टू कहीं का बड़ा आया मेरी रानिया से शादी करने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रानिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने लच्छन और करतूत देखो लड़के, और खबरदार खबरदार जो मेरी बेटी का नाम तुम्हारी जबान पे भी आए। नहीं लूंगा इसका नाम, मैं सारे रिश्ते खत्म करता हूँ और इससे मंगनी भी। अरे रुको, मुझे बात करने दो। बस तायबू बस, इन लोगों के दिल में हमारे लिए नफरतें भरी हुई हैं और इस नफरत में मैं अपने घर वालों को मजीद चलने नहीं दूंगा, नहीं चलने दूंगा मैं। जमी बदतमीजी कर रहे हो तुम। वाह जी वाह, देखा इन माँ बेटों के ड्रामे। अरे सब समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। ये मकान बेचो और हमें हमारा हिस्सा दो ताकि हम तो निकले इस दोजख से। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो। नहीं बेटा। तायबू, अरे तायबू, अब
मेरी हिम्मत नहीं है कि छोटों से मैं गालियां सुनूं। जमील की जबान देखो इतनी लंबी है। अरे उससे तो पूछो कि वो क्या चाह रहा है। वो खुद मंगनी तोड़ रहा है और तुम हमें समझा रहे हो। लाया, लाया। तुम उसे ऐसा कुछ नहीं कहोगी वरना वो इसी को इश्यू बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल करेगा और तुम और फंसती चली जाओगी। अरे खैरियत, इतना पसीना क्यों? नहीं वो मैं खाना बना रही थी। खाना बना रही थी यहाँ पे? क्या बात है मालूम, कुछ छुपा रही तुम मुझसे? नहीं वो मैं खाना बना चुकी हूँ आपके आने से पहले। वो आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी। ये बताओ कि रुबाब की तबीयत कैसी है? रुबाब अब ठीक है, सो रही है। डॉक्टर को दिखाया था उसे? दिखाया था डॉक्टर शैला को। तो क्या कहती हैं डॉक्टर शैला, कोई बेहतरी की उम्मीद है? डॉक्टर कह रही हैं कि अगर रुबाब को ठीक करना है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ओके, तो फिर क्या सोचा था? मैं क्या सोच सकती हूँ, ठीक करने की डोरी तो आपके हाथ में है। बाबा अगर मेरे बस में होता ना तो मैं पलक झपकते में ठीक कर दूँ। आपके बस में है, आप एक दफा बात तो करके देखें। मैं हेलो अनवर, आप जल्दी से पहुंचे, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई। जमील ने रानिया से मंगनी तोड़ दी, बहुत हंगामा हुआ है। कमर भाई तो बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल लेकर गए, बस आप जल्दी से आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके क्या हुआ, सब खैर तो है? बड़ी गड़बड़ हो गई, जमील ने रानी से मंगनी तोड़ दी और भाई साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ओके जमील ने मंगनी तोड़ दी, पर अनवर मेरी बात तो तो चले गए तुम्हारे शौहर नामदार अपने दूसरे घर। तुम्हारा एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने है मारू। आप इसी बात की तरफ ध्यान मत दीजिए। अच्छा आप मुझे बताएं, कुछ खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, भूख नहीं है यार। इन लोगों से पूछो ये चाहते क्या, क्यों लड़ते हैं आपस में? मैंने कहा ना कि इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कौन लड़ रहा है, सब आपके पास तो मौजूद है। भाभी आपके लिए सूप बनाने गई है, रानिया दूध लेने गई है, अजरा देखे नहीं यहाँ खड़ी हुई आपके साथ, सब आपके चाहने वाले आपके इर्द गिर्द मौजूद है भाई साहब। अरे हम सब तो इनसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या चाहते हैं जरा उनसे तो पूछो। बस अनवर अब मेरी हिम्मत नहीं है कि छोटों से मैं गालियां सुनूं।
जमील की जबान देखो इतनी लंबी है। अरे उससे तो पूछो कि वो क्या चाह रहा है, वो खुद मंगनी तोड़ रहा है और तुम हमें समझा रहे हो। बस अब मैंने इस घर में नहीं रहना, कह दिया ना कि अब मैंने नहीं रहना तो नहीं रहना। अम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो कमर भाई की तबीयत ठीक नहीं इसलिए परेशान हो रही। भाई साहब थोड़ा सा यार, थोड़ा सा बस मेरे हाथ से, आराम से आराम से। लानत भेज दी, लानत भेज दी, तुमने तोड़ दी ना मांगनी। अगर तुम ना तोड़ते ना तो ये काम मुझे करना पड़ता। सुबह सुबह क्या सोचा जा रहा है? क्या सोचूंगा, बस यही कि मेरा एडमिशन हो जाए, मैं बाहर चला जाऊं, पढ़ाई शुरू हो जाए। मैं बहुत बोर होता हूँ। एडमिशन हो जाएगा, जल्दी किस बात की? हाँ अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ऐसा करो कि अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने चले जाओ। लेकिन तुम एक बात बताऊं, इस घर के मसले मसाइल से तुम्हें फिर भी आजादी नहीं मिलेगी। ये जिंदगी है, सब कुछ चलता है इसमें। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, कि रानिया से मंगनी टूटने के बाद शायद तुम और परेशान हो जाओ। हो सकता है बेटा उसके बाद कुछ ऐसी बातें हों जो शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, रानिया बहुत बदल गई है। ये सब कुछ ना, ये सब ताई अम्मी का किया जा रहा है। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं कहना। देखो बेटा, बड़ों का हमेशा एहतराम करते हैं। वो बड़ी हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया करो। और जहां तक रानिया का ताल्लुक है बेटा, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। बस तुम एक काम करो, फिलहाल उन लोगों से उलझना छोड़ दो। बेटा कुछ दिन की खामोशी जो है ना, इस घर का सुकून वापस ले आएगी, जो बहुत जरूरी है बेटा, मेरे भाई साहब के लिए बहुत जरूरी है। बेटा मुझे अपने भाई साहब की जिंदगी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। बेटा मैं नहीं चाहता कि इस घर की परेशानियों की वजह से उन्हें कुछ हो जाए। कुछ नहीं करूंगा और आपसे वादा करता हूं कि नायबों को कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। गुड, और देखो मुस्कुराते रखो, अच्छे लगते हो। खट्टू कहीं का बड़ा आया मेरी रानिया से शादी करने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रानिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं लूंगा इसका नाम, मैं सारे रिश्ते खत्म करता हूं और इससे मंगनी भी। लानत भेज दी तुम्हें, लानत भेज दी, तुमने तोड़ दी ना मंगनी। अगर तुम ना तोड़ते ना तो ये काम मुझे करना पड़ता। बहुत हुक्म चलाते थे मुझ पे, ये करो वो ना करो, यहां जाओ वहां ना जाओ, गुलाम थी मैं तुम्हारी। बेइज्जती की है तुमने, तुमने बेइज्जती की है मेरी और मेरे घर वालों की। तुम्हें क्या लगता है
मैं माफ कर दूंगी तुम्हें, हर किस नहीं, एक एक बात का हिसाब लूंगी मैं तुमसे, एक एक। गुड मॉर्निंग सर। जी जी मैं बस आ रही हूँ ऑफिस। डेफिनेटली सर, खुशी की तो बात है ना, आपको पता है मेरी मंगनी टूट गई, आजाद हो गई, बहुत खुश हूँ। मामू मामू मुझे बता लो क्या हो गया मेरे बच्चे? मैं होटल पे वो लड़के का सर फाड़ दिया। हाय हाय कमबख्त ये तुमने क्या कर दिया। डॉक्टर श्याला कह रही थी हम लोग आपको तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक जमील उसकी जिंदगी में। जमील उसकी जिंदगी में नहीं आ सकता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम कुछ गलत करने जा रही हो, किसी गलत रास्ते पे चल रही हो। हाँ शायद, मगर ये सब पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप तो अपने दिल के हाथ में मजबूर होकर किसी भी तरफ चल पड़ते हैं। तो कोई